one computer in our world, जिसको हम पहले रीड करवा चुके, पढ़ा चुके, समझा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज उसका करेंगे तो सबसे पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक, हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना, भरना है। तो पहला, कंप्यूटर इज एन फील डिवाइस। कंप्यूटर इज एन फील डिवाइस, तो कंप्यूटर जो है वो कैसा डिवाइस है, कैसा उपकरण है, इसमें क्या आएगा? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, ई एल ई सी टी आर ओ एन सॉरी इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक, ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर को कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, कंप्यूटर जो है वो अधिक से अधिक किसको स्टोर करता है? तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, कंप्यूटर जो है वो किसको अधिक से अधिक किस अमाउंट को स्टोर करता है? तो डाटा। क्या आएगा इसमें? डाटा। कंप्यूटर के स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो कंप्यूटर किसको स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में, अधिक संख्या में? डाटा को। फिर सी, कंप्यूटर डज नॉट गेट फील एंड फील, कंप्यूटर क्या नहीं करता है? तो कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड एंड बोर्ड, कंप्यूटर जो है वो नहीं तो थकता है और ना ही बोर होता है, तो टायर्ड। आई आर ई डायरेक्ट और बोरेड। टायरेड और बोरेड, तो कंप्यूटर डज नॉट गेट टायरेड और बोरेड। अगला, फील कंप्यूटर्स वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसा कौन सा कंप्यूटर जिसका वर्क टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर्स फील कंप्यूटर्स वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका वर्क, जिस पे हम वर्क करते हैं वो टच स्क्रीन पर करते हैं, इसमें होगा टैबलेट। टैबलेट, टी ए बी एल ई टी, टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर्स वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। थ्री, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर फील एंड फील लेटर, तो कंप्यूटर है जिसका यूज हम किस किस के लिए करते हैं? तो कंप्यूटर आर यूज फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, तो कंप्यूटर्स आर यूज फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स, तो कंप्यूटर का यूज किसके लेटर किसके लिए करते हैं? टाइपिंग और प्रिंटिंग लेटर के लिए। फिर कंप्यूटर डज नॉट मेक, कंप्यूटर क्या नहीं करता है? तो कंप्यूटर डज नॉट मिस्टेक, कंप्यूटर जो है वो मिस्टेक नहीं करता है।
कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स में क्या भरेंगे? मिस्टेक्स. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है. फिर डेस्कटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर आर नॉन अस कंप्यूटर. डेस्कटॉप टैबलेट सॉरी डेस्कटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? कौन सा कंप्यूटर कह सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर PERSONAL पर्सनल कंप्यूटर. तो डेस्कटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर आर नॉन अस पर्सनल कंप्यूटर्स. डेस्कटॉप लैपटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं. तो ये हुआ फिल इन द ब्लैंक, इसको आप लोगों को भर लेना है. फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू में दिया है राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत. अब हम क्वेश्चन टू पढ़ेंगे राइट ट्रू एंड और फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स, सही हमको लिखना है, सही और गलत. तो पहला ए कंप्यूटर गेट टैरेट और वॉरेट. ए कंप्यूटर गेट टैरेट और बोरेट. जो कंप्यूटर है वो थकता है और उबता भी है, बोर भी होता है. उनको बताना है क्या कंप्यूटर थकता है और बोर होता है? तो फॉल्स. कंप्यूटर जो है वो ना ही तो थकता है और ना ही वो बोर होता है. तो ए कंप्यूटर गेट टैरेट और बोरेट क्या होगा? फॉल्स, गलत होगा. कंप्यूटर थकता और उबता नहीं है. ए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग टू म्यूजिक. ए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग टू म्यूजिक. कंप्यूटर का यूज हम गाना म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं, गाना सुनने के लिए करते हैं. तो ट्रू, सही. हम कंप्यूटर का यूज गाना सुनने के लिए भी करते हैं. फिर ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है वो डाटा को कन्वर्ट करके हमको इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है. सही. जो भी हम डाटा टाइप करते हैं उसके बाद वो हमको इंफॉर्मेशन देता है. तो क्या होगा ये? ट्रू. ए कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. ट्रू. टैबलेट कंप्यूटर्स कैन नॉट बी इजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टैबलेट कंप्यूटर्स कैन नॉट बी इजिली कैरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टैबलेट कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है. फॉल्स, गलत होगा. टैबलेट कंप्यूटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली तरीके से बहुत ही आसानी से लेकर जा सकते हैं. तो क्या होगा? फॉल्स. टैबलेट कंप्यूटर्स कैन नॉट बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये होगा फॉल्स. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन थ्री जिसमें है आंसर दिस क्वेश्चंस को हम लिखेंगे. क्वेश्चन थ्री आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. अब हमको आंसर क्वेश्चन लिखना है. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्यूटर. व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क वेरी फास्ट. ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाला उपकरण है जिसका वर्क बहुत ही फास्ट होता है, जिसका काम बहुत ही फास्ट होता है. तो ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क वेरी फास्ट. तो क्या होगा क्वेश्चन? क्या है? व्हाट इज ए कंप्यूटर. तो आंसर होगा ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क वेरी फास्ट.
A computer is an electronic device. It work very fast. फिर से इसको रिपीट कर देते हैं. A computer is an electronic device. It work very fast. What is a computer? Computer क्या है? तो computer बिजली से चलने वाला है उपकरण है जिसका work बहुत ही fast होता है. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड, राइट टू फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. राइट टू फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की कोई दो विशेषता या उसके गुण बताना है. तो राइट टू फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो उसका आंसर है, देखो पहला, कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी फास्ट स्पीड. कंप्यूटर का पहला गुण क्या है कि कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड. कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती, बहुत ही तेज होती है. तो कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड. कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी फास्ट स्पीड. कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है. सेकंड, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है. तो राइट टू फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की दो विशेषताएं बताना है. तो पहला है, कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड. कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड. सेकेंड, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. ये हो गया क्वेश्चन टू. क्वेश्चन थ्री, व्हाट आर कंप्यूटर यूज्ड फॉर. व्हाट आर कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर, मतलब कंप्यूटर का क्या यूज है. कंप्यूटर का क्या यूज है, तो आंसर, कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम एंड मेकिंग ड्राइंग. कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग ड्राइंग. कंप्यूटर का यूज प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं. तो व्हाट आर कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग ड्राइंग. ये हो गया. अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के टाइप्स लिखना कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं. तो पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. तो टाइप्स, कंप्यूटर के टाइप्स लिखना है. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. तो राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर का लिखना है. तो कौन कौन से कंप्यूटर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ विशेष सीमाएं लिखना है. तो कंप्यूटर की कौन कौन सी सीमाएं होती है? इंटेलिजेंस एंड डिपेंडेंसी. सेकेंड, डिपेंडेंसी. पहला होगा इंटेलिजेंस, दूसरा होगा डिपेंडेंसी. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं? तो इंटेलिजेंस और डिपेंडेंसी. अगला है, व्हाट इज ए टैबलेट कंप्यूटर. टैबलेट कंप्यूटर क्या है? तो टैबलेट कंप्यूटर्स वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी. टैबलेट कंप्यूटर्स
वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज ए टैबलेट कंप्यूटर? तो टैबलेट कंप्यूटर्स वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी. ये हो गया आंसर क्वेश्चन. इसको आपको नोट करना है और इसको याद भी करना है. आपका फर्स्ट चैप्टर का मतलब आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स का ये कंप्लीट हो गया है. इसको कॉपी में आप लोगों को सबको कंप्लीट करना है.